जय हिंद। स्वागत है आपका इस टॉपिक सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं जहांदार शाह के बारे में। टाइटल मुगल्स हैं, ये 8th नंबर के मुगल्स हैं, मुगल इम्पीरियर है। 7th नंबर पे कौन था? मोहम्मद बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम जो था वो 7th नंबर पे था, और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। व्यक्ति इससे पहले वाला जो बिंदु था बहादुर शाह प्रथम के बारे में, बहादुर शाह प्रथम। आज हम पढ़ने वाले हैं जहांदार शाह के बारे में। बहादुर शाह प्रथम मृत्यु हो गई थी 1712 में, और इसके बाद जो है 12 से 13 जो कार्यकाल था, 12 से 13 ये जहांदार शाह का था। इससे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं, और इसका सक्सेसर का जो ऑर्डर है वो क्या क्या था। सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद आया था हुमायूं, और हुमायूं के बाद उसे था वो अकबर, और अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब। तो औरंगजेब कितने नंबर पे थे? 6th नंबर पे। पहले नंबर पे बाबर, बाबर की मृत्यु 1530 में हो गया था। हुमायूं 1556 में, अकबर 1605 में, और जहांगीर की मृत्यु 1627 में, शाहजहां की मृत्यु 1657 में, और यहीं पे वार ऑफ सक्सेशन हुआ, वार ऑफ सक्सेशन जिसमें बैटल ऑफ समुर, बैटल ऑफ समुर पीकिस के बीच में हुआ था। शाहजहां के 4 बेटे, पहला बेटा नारा सिको, नारा सुको, दूसरा शाह सुजा, तीसरा औरंगजेब, और चौथा जो था वो मुराद बख्श, मुराद बख्श। दो मारा गया था युद्ध में, कौन कौन? दारा सिको और मुराद बख्श। मुराद बख्श जो है वो डेथ किया था, बैटल में ही डेथ हो गया था इसका। बच गया था शाह सुजा और औरंगजेब बच गया था, जो कि दोनों में फोन जीता था, औरंगजेब जीता था, और शाह सुजा को जो है वो जेल में दिया गया था, प्रिजन कर दिया गया था। और नया राजा कौन बनना था? औरंगजेब बनना था, औरंगजेब। और इसकी भी मृत्यु 1707 में हो गया था, 1707 में, और 1707 था में फिर एक बैटल ऑफ, बैटल ऑफ जजुआ हुआ था, वार ऑफ सक्सेशन ही था ये, और ये किसके बीच में था? तो बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम और आजम शाह के बीच में हुआ था, मोहम्मद आजम सिंह, मोहम्मद आजम शाह के बीच में हुआ था, ये 1707 में हुआ था, और इसमें जीता कौन था? बहादुर शाह प्रथम। तो 7वें नंबर के जो इंपीरियर थे वो कौन कौन बने थे? बहादुर शाह प्रथम। और बहादुर शाह प्रथम के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, और इसी मृत्यु भी 1712 में हो गया। उसके बाद जो आया था वो जहांदार शाह, और जहांदार शाह के बारे में हम आज पढ़ेंगे इसमें डिटेल। तो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाला जो वीडियो है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, अगर नहीं देखेंगे तो। इस चीज के बारे में हम पूरा डिटेल में बता चुके हैं, आगे हम पढ़ते हैं जहांदार शाह के बारे में। ये है जहांदार शाह, इसका कार्यकाल कम से कम तक था तो 1 साल पे ही रहा था, 1712 से 13 के बीच में ही ये शासन किया था। इसके बाद जो है ना इसको मार दिया गया था फारूक सियर के द्वारा, इसी का भतीजा था, और फारूक सियर जो है उसको मार देता है, फिर इसका सफल नहीं होता, 1 साल के लिए ही ये चलता। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जहांदार शाह एक तो हिंदी पोएट कवि थे, हिंदी पे मतलब हिंदी में कविता लिखते थे, और जो कविता लिखते थे उसमें जो अपना एक पिट नेम दिया करते थे वो मौज लिखते थे। कविता में
कविता कुछ भी लिखते हैं तो उसके नीचे में कुछ अपना नाम लिखते हैं, तो ये अपना एक पेट नेम लिखा था और वो पेट नेम क्या था, समोज। हम चल सकते हैं कि इसका जो टाइटल था यानी कि मौज किसको कहते हैं, तो जहानदार शाह को मौज कहते हैं। तो उससे उनको कविता लिखना पसंद था और उस कविता में अपना नाम क्या लिखते थे, मौज लिखो। इन्होंने जहानदार शाह ने एक रेवेन्यू फार्मिंग चले गए, एक तो रेवेन्यू सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश किया यानी स्टार्ट किया, और इस रेवेन्यू सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हिजादारी सोचा, हिजादारी सिस्टम। ये जहानदार शाह द्वारा जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। इस हिजादारी सिस्टम में क्या था कि एक तो राजा हो गया, दूसरा एक मिडल मैन हो गया, कोई भी मिडल मैन हो गया, और एक फार्मर हो गया। यानी फार्मर से अगर कलेक्ट करना है तो उसको रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो ये किसके पास जाएगा, यानी कौन कलेक्ट करेगा, सब मिडल मैन सेलेक्ट करेगा, और ये मिडल मैन किसको देना, तो राजा को देना, जो भी अमाउंट फिक्स कर दिया जाएगा। इसमें क्या होता है, कुछ अमाउंट जो होता है वो फिक्स कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया गया था, और इसको कलेक्ट कौन करना, किसको करना है, तो मिडल मैन को करना है, और इसको पूरी तरह से छूट होता था कि किस तरह से इसको कलेक्ट करना है रेवेन्यू, इसको पूरी तरह से छूट होता था कि राजा जो है वो इसको बैठा देते थे और ये जो है वो फार्मर से कलेक्ट करके और फिर राजा को देते थे, कुछ अमाउंट जो है वो फिक्स कर दिया जाता था राजा के टोर, और ये मिडल मैन जो है अपनी अकॉर्डिंगली जो है वो जितना चाहे उतना ये रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है। ये था इज़ादारी सिस्टम। इज़ादारी सिस्टम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, जहानदार शाह के द्वारा। तो दो अभी तक फैक्ट हम याद कर, एक है हिंदी पोएट में इसका नाम क्या था, मौज था, इसलिए हम मौज किसको कहेंगे, जहानदार शाह को कहेंगे। दूसरा इज़ादारी सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया गया था, कि जिम्मेदारी सिस्टम क्या है, राजा ही एक मिडल मैन को क्या करता है, सेलेक्ट करता है और उसको कहता है कि फार्मर से जो भी रेवेन्यू होगा वो कलेक्ट करके हमको इतना, यानी एक फिक्स अमाउंट में वो एनुअली एक फिक्स अमाउंट उसको रख दिया जाता था और उसको कलेक्ट करने के लिए मिडल मैन को दिया जाता था, और मिडल मैन को पूरी तरह से छूट होता था कि वो अपने अकॉर्डिंगली वो किस तरह से वो रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करता है। जहानदार शाह के बारे में एक है कि बहुत ही ज़्यादा अमीर था, कम सही है जो रूलर था वो नहीं था, ये डीजनरेट रूलर को, और ये कुछ भी ज़्यादातर काम नहीं करते थे, ज़्यादातर कौन काम करते थे, तो जुल्फीकार खान काम पर, इसी का एक सपोर्टर था जो कि जितने भी डिसीजन वगैरह है या कुछ भी है इम्पोर्टेंट डिसीजन वगैरह कौन लेते थे, तो जुल्फीकार खान के सपोर्ट से ही ये अपना रूल करते थे। तो जुल्फीकार खान किसके समय में थे, जहानदार शाह के समय में थे, और जुल्फीकार खान के ही वजह से जो है वो अपना ये राज चला रहे। ये इतने फैक्ट हैं जो कि याद रखना है। इसके बाद दो टाइटल याद रखना है, इसलिए दो टाइटल किसको दिया गया था, जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई, जय सिंह को क्या दिया गया था, मिर्जा राजा सवाई, जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई का टाइटल दिया गया था, और इनको अंगर का और मालवा का लीडर बनाया गया था, यानी गवन सिंह इसको दे दिया गया था। अंबर का है जयपुर ये मालवा भी, तो अंबर का और मालवा का गवन सिंह इसके अंदर में इसको दे दिया गया, तो टाइटन किसको दिया था, जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई का टाइटन दिया था, जय सिंह अंबरता और मानवा का जो है वो गवन सिंह इसको बनाया गया। दूसरा अजीत सिंह, अजीत सिंह को, अजीत सिंह को महाराजा का टाइटन दिया गया, महाराजा का टाइटन अजीत सिंह, दो को एक जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई और अजीत सिंह को महाराजा का टाइटल, और अजीत सिंह को कहाँ का बनाया गया था, मारवाड़ का गवर्नर बनाया गया था, मारवाड़ कहाँ थे, तो गुजरात में, तो मारवाड़ का गवर्नर किसको बनाया था, अजीत सिंह को, और अंबर और मानवा का जय सिंह, जय सिंह को टाइटल क्या मिला था, मिर्जा राजा सवाई, और अजीत सिंह को मिला था महाराजा का टाइटल, राजा का टाइटल मिला था। अगर इससे पहले अगर हम देखें
बहादुर शाह प्रथम थे, बहादुर शाह प्रथम जो है वो मराठा को सिर्फ सर्विस वो भी टैक्स जो है वो कलेक्ट करने के लिए राजी किए, मतलब दिए थे वो परमिशन, लेकिन चौथ के लिए नहीं दिए थे, जो कि जहानदार शाह जो है वो दोनों के लिए तुम परमिशन दे दिया गया। पूछा जाएगा सिर्फ सर्विस वो भी टैक्स कलेक्ट करने के लिए कौन दिया गया था और चौथ को नहीं दिया था, तो वो है बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। लेकिन अगर कहा जाए कि दोनों किसने दिया था, तो वो है जहानदार शाह। तो जहानदार शाह जो है वो सरदेश टैक्स पॉट शॉट राइट जो है वो मराठा सरदार को दिया गया। वो नीराज के साथ में, इसके साथ भी अच्छा संबंध था और बहादुर शाह प्रथम के साथ में भी अच्छा संबंध था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बहादुर शाह प्रथम में सिख सिख के प्रति उसका जो था वो पीसफुल संबंध था, शांति से रह रहे थे। लेकिन इसी समय में गुरु गोविंद सिंह के बाद आए थे, उसी का जो एक प्रिंसिपल था वो था बंदा सिंह बहादुर। और बंदा सिंह बहादुर के साथ में इस बार एकदम दुश्मनी सा चल रहा था, और किसके समय से, तो जुल्फिकार खान के समय से ही इसके साथ में हमेशा विवाद रहता था। तो बंदा सिंह बहादुर के साथ में इसका अच्छा संबंध नहीं था, क्योंकि इसी के अंदर में सीखा था, सीख इसी के अंदर आ गया था, और बुंदेलखंड के साथ में इसका अच्छा संबंध। इसके बाद अगर हम देखें तो मंसरदारी सिस्टम में भी इन्होंने रिफॉर्म किया था, और जागीरदारी सिस्टम में भी इसका जो है वो कुछ रिफॉर्म जो है वो किया गया था इसके द्वारा। इसमें मेन जो कारण था वो ज़्यादातर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल में इसके पास नहीं था, और ज़्यादातर ये प्लेजर में रहता था, और दूसरा है जो फंक्शनल स्फीयर होता था वो ज़्यादातर इसी में एंगेज रहते थे, ये वीक थे, डिजेनरेट, और इसके पास लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल भी इसके पास की कमी था, जिसकी वजह से ये लंबे समय तक ये टिक नहीं पाए। इसी के समय में एक किंग मेकर जो है, किंग मेकर प्रिंसिपल जो है ना वो चालू हो गया कि राजा इसको बनाया जाए, क्योंकि ये वीक था, डिजनरेट था, और इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल भी उठा खास नहीं था, जिसकी वजह से अब ये सवाल उठने लगा कि किसको राजा बनाया जाए। इसी में सैयद ब्रदर्स दो भाई थे, एक अब्दुल्ला खान और दूसरा हुसैन अली खान बरहा, ये दोनों भाई को कहा जाता है सैयद ब्रदर्स। और सैयद ब्रदर्स इस समय में ही एक किंग मेकर्स जो पॉलिसी थी यानी पद्धति थी, यानी एक सोच था कि राजा किसको बनाया जाए, और ये सैयद ब्रदर्स के समय में ही स्टार्ट हुआ था। सैयद ब्रदर्स दो नाम याद रखना है, अब्दुल्ला खान और दूसरा हुसैन अली खान बरहा, जिन दोनों को क्या फायदा था सैयद ब्रदर्स के नाम से हम जाते हूँ। और ये सैयद ब्रदर्स किसके साथ में मिल गया, फरूख सियर के साथ में मिल गया, फरूख सियर, और ये फरूख सियर कौन था, तो ये जहानदार शाह का भतीजा था, जहानदार शाह का भतीजा यानी कि नेफ्यू का नेफ्यू था। तो सैयद ब्रदर्स के साथ में मिलकर तीन बोस के साथ में कौन मिल गया, फरूख सियर, फरूख सियर इसके साथ में मिलेगा, सैयद ब्रदर्स के साथ में मिलेगा, और यानी सैयद फरूख फरूख सियर जो है वो किसको मार देता है, किसको, जहानदार शाह को, जहानदार शाह को किल कर देता है, किल भाई फरूख सियर विद सपोर्ट ऑफ सैयद ब्रदर्स। और ये कौन सी युद्ध में मार देता है, बैटल ऑफ आगरा, बैटल ऑफ आगरा इन 1713 में जो है वो यहाँ से इसको मार देता है। अब इसके बाद का राजा कौन बनेगा, तो फरूख सियर बनेगा, इस बाद का राजा फरूख सियर बनेगा। और ये फरूख सियर का जो कार्यकाल होता है वो होता है 1713 से 19 तक ये चलेगा। यहाँ तक ऑर्डर समझ में आ गया कि अब इसके बाद का राजा कौन बनेगा, फरूख सियर बनेगा।
और फरूख सैयद लास्ट में कौन सा युद्ध लड़ता है? तो बैटल ऑफ आगरा, और बैटल ऑफ आगरा में ही इसको हराता है किसको? जहांदार शाह को। बैटल ऑफ आगरा कब हुआ था? तो 1713 में हुआ था, और इसके बाद का राजा बनेगा फरूख सैयद। आई होप इतना तक आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फाइन कर।